हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्ट ऑफ साइंस क्लास। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बुचेरा रिएक्शन। तो ये बुचेरा रिएक्शन क्या है? ये बुचेरा रिएक्शन यूजुअली क्या होता है, आपका जो नेपथल है, चाहे वो आपका वन नेपथल हो या फिर टू नेपथल हो, उसको आप वो नेपथल को एक रिवर्सिबल मैकेनिज्म के थ्रू आप उसको नेपथाइलामीन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका बोथ एप्लीकेबल फॉर वन एंड टू नेपथल। तो कैसे इसका होता है? उसका रिएक्शन है सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये रिएक्शन को अभी हम लोग देखते हैं कि ये है आपका टू नेपथॉल। यस, तो अभी टू नेपथॉल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास है इनी प्लस HSO3 माइनस। उसको मैं HSO3 माइनस को एस डबल बॉन्ड हो ओ माइनस, इस साइड से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला जाके OH को पिकअप कर लेगा। ठीक है, तो OH को पिकअप करेगा तो क्या होगा, इधर हो गया आपका माइनस H प्लस। तो अभी इधर आपका हो गया ये वाला ये जैसा है ऐसा है डबल बॉन्ड ओ और आपका एच, और आपको इधर क्या मिलेगा SO3 Na प्लस डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, इस साइड का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अभी ये क्या करेगा, इधर एक नेगेटिव चार्ज जाके इधर अटैक कर देगा। नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा तो क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारा जो स्टेप्स है ये पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये हुआ, तो इधर इसने अटैक कर दिया, इधर इसने अटैक कर दिया, मतलब क्या होगा, इधर फॉर्मेशन होगा आपका, ये इस साइड पे शिफ्ट करेगा, ये O माइनस शिफ्ट कर जाएगा, इधर पॉजिटिव O माइनस और आपका SO3 माइनस। तो ये वाला वाटर लेके क्या करेगा, OH में भी कन्वर्ट हो सकता है। इधर H है, तो अभी क्या होगा, ये भी OH है आपका वाटर मीडियम। तो अभी क्या होगा, अभी इसमें ये वाला जो रिएक्शन है, अभी उसमें क्या होगा, अभी आपका NH2 जाके इधर अटैक कर देगा। ये फिर से अपना कॉन्फर्मेशन में वापस चला आएगा, डबल बॉन्ड हो SO3H, उसके बाद वो फिर से वही कॉन्फर्मेशन में वापस चला आएगा, तो क्या होगा आपका इधर आपका अमोनिया अटैक कर देगा। अमोनिया ने इधर अटैक कर दिया तो आपको OH NH2 और इधर SO3H। इसमें क्या होगा, इसमें ये हिट करने के बाद ये वाला निकल जाएगा, तो अभी बनेगा आपका डबल बॉन्ड NH2 प्लस नीचे SO3H, उसके बाद एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या होगा, NH2 और इधर भी थोड़ा SO3H हीट देने से ये वाला निकल के
इन एच टू। तो देखो ये पूरा रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो क्या होता है, फर्स्ट में आपके पास नेप्थल नेप्थल है, कोई भी नेप्थल हो, वन में भी आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, उसके मैकेनिज्म भी आप ट्राई करो। अगर आपको नहीं मिलेगा तो हम लोगों का कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं और एक वीडियो या फिर आपको उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। लेकिन पहले क्या हो रहा है, पहले ये टू नेप्थल है, टू नेप्थल में पहले आपके पास था H2SO3 सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड में क्या है, इधर जाके ये आपका OH है, ये टोटोमेराइज किया तो जाके ये वाला एक OH को ले लिया। तो अभी क्या हुआ, अभी ये वाला स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर में क्या होगा, अभी जो आपके पास SO3- है, SO3-2 वो क्या करेगा, वो जाके ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। डबल बॉन्ड पे अटैक करने के बाद ये OH हो जाएगा तो SO3H बन जाएगा, उसके बाद टोटोमेराइज करके ये फॉर्म में चला आएगा। तो अगर उसके बाद अमोनिया देने से अमोनिया OH पे अटैक कर देगा, OH पे अटैक कर देने से ये वाला बनेगा, उसमें NH2 डबल बॉन्ड OH निकल जाएगा। तो अभी ये ग्रुप NH2 बना देगा टोटोमेराइज के बाद, और अभी क्या होगा SO3H, और हीट करने से आपका पूरा एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगा। ये स्टेट एक्चुअली एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए होता है, हीट इतना ज्यादा नहीं लगता है। तो ये हो गया आपका पूरा मैकेनिज्म फॉर बुचेरर रिएक्शन। बुचेरर रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर नेप्थाइल बेसिकली, और ज्यादा जो आपका पॉलीसाइक्लिक एनिलीन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम है उसमें ये रिएक्शन नहीं आता है। तो बुचेरर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा क्वेश्चन में भी आता है, एंड आप इसको अच्छे से देख लेना। And thank you so much students for watching this video.